अपने आप को सरेंडर कर दिया इन्होंने इस धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को, एनजीओ पूरे फैमिली को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा ग्रुप, ऐसी एकता यदि पूरे भारत में हो जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ, दिल्ली तो क्या साहब, आगे और जाएंगे। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ खुला बोलता हूँ, वैसे मेरा ज़्यादातर तो बयान विवादों में रहते हैं, लोग मेरे ऊपर गलत कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, चिंता इज नॉट फिकर, गांव दांदिया जिला शिखर, मैं चिंता करता ही नहीं हूँ, आलोचनाओं की कभी चिंता नहीं करता हूँ। जो मेरे आलोचक हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और मेरे आलोचकों को मैं बोलता हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लगे और आपके मोबाइल हमेशा चार्ज रहे, आप आलोचना करते रहो ताकि हम प्रगति करते रहेंगे, आप आलोचना करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस निश्चित है। इसलिए विपक्ष भी जरूरी है, तो विपक्ष का हमेशा टेंशन न लेना, सम्मान करना। मैं तो कहूँ बारह नावरो कैसे कहूँ जी नारायण छाटो, ए बाबू जी बारह दो डंडा गाल मारे तीन गाल। हाँ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से मंत्रालय की सहायता से, अब आप सोचेंगे नहीं, आज ऐसा जवाब देना है। अभी मेरे पास दो तीन लेके आए हैं, उनको पता नहीं है, जागरण हुआ है, कोशिशें तो बहुत की थी जागरण को कैंसिल करवाने की, लेकिन सांवरिया जब साथ है ना, खाटू वाला श्याम लग दातार, तो किसी की औकात नहीं है जो मेरी गौ माता की जागरण को डिस्टर्ब कर दे। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, क्योंकि मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला कर भी आकार बदल देता है, लोहे को पिघला कर भी आकार बदल देता है। अभी आपने देखा नहीं हमारा जलवा, अभी तो हमने सैंपल सैंपल फेंके, माल तो पूरा गोदाम में पड़ा। हाँ, अभी तो हम निगरना पूरे उफान पर आए नहीं, क्योंकि आज हम दो दो तीन तीन कलाकार हैं। और इस सामाजिक तत्वों से भी मैं खुला बोलता हूँ कि गौ माता के कार्यक्रम में यदि आप टांग अड़ाओगे तो हे मेरे बूटाटी वाले बाबा, तू जाने रे वे जाने, उठा लेना सुबह से पहले पहले। हाँ, आप चिंता ना करें, भगवान के घर में देर है लेकिन अंदर नहीं। जो गौ माता का नहीं है वो धरती पर किसी का भी नहीं है। आज के बाद याद रखना, खुला बोल रहा हूँ, 35-40 कैमरे लगे हुए, मुझे किसी के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की शौक नहीं है। तो कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, ना बाबा ना, तू कहे तो काटू। हाँ, क्योंकि ओम डिगरना खुला बोलता है, मुझे आज जरूर नहीं है पाँचों मंगलपुरा में बुलावे, बुकिंग नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं है साहब, घर है गंवार बैठो 35 बीघा में और 40,000 का भाव है, भटकाट दे आपके बोरिया भरी मुंडा तई। हाँ, क्यों मैं कलाकार नहीं हूं। तो इसलिए जो गौ माता के कार्यक्रम में टांग अड़ाता है, मैं तमाम भाइयों से यही बोलता हूं जो लाइव देख रहे हैं, उनसे भी बोलता हूं, जो गौ माता के कार्यक्रम में टांग अड़ाता है, प्लीज ऐसे निकम्मे के कभी मोबाइल नंबर सेव मत करना, डिलीट कर देना हाथों हाथ, मोबाइल से डिलीट कर देना और माइंड से डिलीट कर देना, क्योंकि ऐसे आदमी जो गौ माता का नहीं वो अपने परिवार का कभी नहीं हो सकता, उसका यू डोंट बिलीव, उसका विश्वास कभी मत करना। धन्यवाद देता हूं ऐसे भाइयों को, आज मुझे और भाई मिल गए, भरत लक्ष्मण लखन शत्रुघ्न सभी पूरा परिवार मिल गया, धन्यवाद। अब हमारी एक भुजा और मजबूत हो गई है, इतना दिन तो मैं मन में सोचा अगर दिल्ली अकेला न जानो पड़ी, लेकिन अबे ध्यान है कोटपुतली और क्या बात क्या बात, सभी काले कोट वाले हैं, अब तो डरने का ही नहीं है, अब डर कहां है को, क्या बात क्या बात क्या बात। संजना जी यहां पधारे हैं, संजना जी हाँ यहां पधारे हैं, यहां पधारे थे संजना जी, संजना जी जज हैं, जज, और ये सब वकील हैं। कहीं कहीं डरना है, कहीं डरना यार, कहीं लिख लाए थे गेट उठाड़ ले गया, अरे बारा खुदरा गेट समरी उखाड़ दे दिनों का पहले पहले, मारी जीभ काली है और मैं लग हवा 3 बजी है, यदि काले शाम थे तान हमचार नहीं है जब मेरा नाम बदल देना, जिसने आपके गेट उखाड़े हैं उनके गेट सांवरिया उखाड़ेगा। हाँ, वादा करते हैं, आई प्रोमिस टू ऑन द स्टेज, चिंता मत करना। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से 25 लाख की राशि, जोरदार तालियों से स्वागत, 25 लाख, मुंह तोड़ के तमाचा दे दिया आपने उनको आज, क्या बात क्या बात। अबा ने नींद की कराई, हबड़ कर लेता आधा तो बदावना फंस गया भाई, दो तीन तो ऊपड़ा मांग दिया भाई। 25 लाख की राशि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से पूरा पंडाल तालियों से गूंजना चाहिए साहब, बोले केसरिया कंवर जी महाराज की, 25 लाख
25 लाख एक बार और 25 लाख बस ठीक है घणो तो भेषा को दौड़े घरे होता होता ही गाड़िया काटी कठो ले आयो कलाकार पकड़ो एक ही रोडो नहीं दौड़े धन्यवाद।